बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल हेल्प डेस्क में मैं हूं जवेद शेख। आज जो मेरा लेक्चर वन है वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है। स्टैटिस्टिक्स जिसको हम शुमारियात भी कहते हैं। हम देखेंगे कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स का अपनी रिसर्च के अंदर किस तरह इस्तेमाल करते हैं और उनको कौन कौन से टूल्स चाहिए अपनी रिसर्च के अंदर बेहतर रिसर्च करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे और फिर स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स की बेसिक डेफिनेशन है, स्टैटिस्टिक्स की बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं। बेसिक डेफिनेशन यही है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद कलेक्शन प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। न्यूमेरिकल फैक्ट्स को हम डाटा भी कहते हैं। गोया जो स्टैटिस्टिक्स है ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम डेटा कैसे इकट्ठा करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं और फिर उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, ये तीन काम हम डिस्कस करते हैं, कलेक्शन प्रेजेंटेशन और एनालिसिस। तो एक एग्जांपल देखें, अली अकदस मेजर्ड द लेंथ ऑफ 38 लीव्स इन सेंटीमीटर ऑन द ओक ट्री। अब आप देखें ये ओक ट्री के लीव्स हैं, ये उनकी लेंथ है लीव्स की नियरेस्ट टू सेंटीमीटर 9, 16, 13, 17, 18, 4, 18, 10, 17, 18, 9, 12, 5, 9, 9, 16, 1, 8, 17, 1, 10, 5, 9, 11, 15, 6, 14, 9, 1, 1, 12, 5, 16, 4, 16, 8, 15, 14 और 17। ये 38 जो लीव्स हैं ओक के उनकी जो लेंथ है सेंटीमीटर्स में वो दी गई है। अब ये आपने क्या किया, जब आपने 38 लीव्स लिए और हर लीव को मेजर करके उसकी जब आपने लेंथ लिखी किसी पेपर के ऊपर, तो ये आपने सबसे पहला काम किया कलेक्शन ऑफ डेटा। ये आपके डेटे की कलेक्शन हो गई। जब आपके डेटे की कलेक्शन हो गई तो दूसरे नंबर पे जाएंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो प्रेजेंटेशन डेटा की जो हो सकती है वो उसी डेटे को रिवाइज करके लिख दें, उसी डेटे का टेबल बना लें, उसी डेटे का आप कोई चार्ट बना लें, कोई ग्राफ बना लें, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना लें, तो वो उसकी प्रेजेंटेशन होगी। तो ये देखें मैंने डेटे को क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दिया। ये वन, ये वहां यहां पे वन आ गया, फिर ये वन आ गया और फिर ये देखें एक और वन है, वन, ये तीन वन हो गए। फिर उसके बाद क्या हो गया, आपका फोर हो गया। गोया ये जो सारा डेटा है ये वही डेटा है जिसको मैंने अरे किया है। तो अब ये देखें वहां से आपको नजर नहीं आ रहा था कि वन कितने आए, फोर कितने आए, फाइव कितने आए, तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि वन कितने हैं, तीन। इसका मकसद है कि वो तीन लीव्स ऐसे थे जिनकी लेंथ जो है वो वन सेंटीमीटर थी। उसके बाद देखें फोर, ये दो हैं, इसका मकसद है दो लीव्स ऐसे थे जिसकी जो लेंथ थी वो फोर सेंटीमीटर थी। इसके बाद देखें आप कि आपके पास फाइव लीव्स ऐसे थे जिनकी लेंथ जो है तीन लीव्स ऐसे थे जिनकी लेंथ जो है वो फाइव सेंटीमीटर थी और इस तरह। अब आप देखें इसी डेटे का हम टेबल बना लेते हैं, ये लेंथ, वो लीव्स जिनकी लेंथ वन थी, टू थी, थ्री थी, फोर
फोर थी, फाइव थी, सिक्स थी, सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन। तो अब आप देखो कि वो लीव्स उनकी तादाद तीन है जिनकी लेंथ वन थी, वो लीव्स जिनकी लेंथ टू है वो कोई भी नहीं था, वो लीव्स जिनकी लेंथ तीन है वो भी कोई नहीं था, वो लीव्स जिनकी लेंथ चार थी वो तादाद में दो थे, वो लीव्स जिनकी लेंथ फाइव थी, 5 सेंटीमीटर थी, वो तादाद में तीन थे, वो लीव्स जिनकी लेंथ 6 सेंटीमीटर थी वो तादाद में वन था, वो लीव्स जिनकी लेंथ 7 सेंटीमीटर थी वो भी तादाद में वन थे, वो लीव्स जिनकी लेंथ 8 सेंटीमीटर थी वो भी तादाद में तीन थे, वो लीव्स जिनकी लेंथ 9 सेंटीमीटर थी वो तादाद में सिक्स थे। इसी तरह 10 लेंथ वाले, 11 वाले, 12 वाले और एट, वो लीव्स जिनकी लेंथ 18 सेंटीमीटर थी वो तादाद में दो थे। तो आप देखें जो मिनिमम लेंथ है वो वन है और वो तादाद में लीव्स कितने थे, तीन। मैक्सिमम लेंथ जो है वो 18 है और वो तादाद में कितने लीव्स थे, दो। अब आप ये देख लें, यहां से आप आसानी के साथ दे सकते हैं कि वो लीव्स जिनकी लेंथ 9 सेंटीमीटर थी उनकी तादाद मैक्सिमम थी और वो कितनी थी, सिक्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो लीव्स जिनकी तादाद जिनकी लेंथ 16 सेंटीमीटर थी और वो तादाद में कितने थे, फोर। तो गोया ये उसी डेटे की प्रेजेंटेशन हो गई एक टेबल में। इसी टेबल को हम इस तरह भी बना सकते हैं कि वो लीव्स जिनकी लेंथ 0 और 3 के दरमियान है उनकी तादाद तीन है, वो लीव्स जिनकी लेंथ 4 और 7 सेंटीमीटर के दरमियान है, 4 और 7 के दरमियान। तो ये देखे 4 2 3 1 1, तो ये कितने हो गए, 7, ये 7 आ गया। वो लीव जिनकी लेंथ 8 और 11 के दरमियान है, 8 और 11 के दरमियान, ये 3, ये 6, ये 2, ये और 1 ये, तो ये टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 12। इसी तरह वो लीव्स जिनकी लेंथ 12 से लेकर 15 तक है, 12 से लेकर 15 तक, तो 2 1 2 2, ये 7 हो जाएंगे। इसी तरह 16 से लेकर 19 तक जो लीव्स हैं उनकी तादाद 9 हो जाएगी और ये टोटल 38 हो गए। तो ये डेटे की, उसे डेटे की प्रेजेंटेशन हो गई एक और टेबल से। अब आप देखें इसी डेटे को हम डायग्राम से भी इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक्स एक्सेस और ये आपके पास वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पे आपने प्लांट का जो लीव है उसका साइज मेजर किया और जो आपके पास वाई एक्सेस है उस पे आपने उनकी तादाद देखी। तो अब आप देखो ये आपके पास एक, ये वो जिनकी लेंथ 1 थी वो तादाद में 3 थे, तो ये जिनकी लेंथ 1 है वो तादाद में 3 है, जिनकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है वो तादाद में 0 है, जिनकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है वो तादाद में 0 है, जिनकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है वो तादाद में 2 है, जिनकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है वो तादाद में 3 है, जिनकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है वो तादाद में 1 है, जिनकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है वो भी तादाद में 1 है, 8 सेंटीमीटर वाले 3 है, 9 सेंटीमीटर वाले 6 हैं, 10 सेंटीमीटर वाले 2 हैं, 11 सेंटीमीटर वाला 1 है, 12 सेंटीमीटर वाले 2 हैं, 13 सेंटीमीटर वाला सिर्फ एक पत्ता है, 14 सेंटीमीटर वाले 2 हैं, 15 सेंटीमीटर वाले भी 2 हैं, 16 सेंटीमीटर वाले 4 हैं, 17 सेंटीमीटर वाले 3 हैं, 18 सेंटीमीटर वाले 2 हैं। तो ये उसी डेटे की प्रेजेंटेशन हो गई किससे, चार्ट से। तो क्या होता है जब आप डेटे को प्रेजेंट करते हो तो आपको बेहतर अंदाज में समझ आती है कि कौन सी तादाद ज्यादा है, कौन सी कम है, कौन से ज्यादा तादाद में आए हैं।
तो डेटे की प्रेजेंटेशन का मकसद यही होता है कि आप आसानी के साथ समझ सके। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स कहां कहां इस्तेमाल होती है। तो स्टैटिस्टिक्स बिजनेस में इस्तेमाल होती है तो हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। अकाउंट्स के अंदर इस्तेमाल होती है तो स्टैटिस्टिक्स फॉर अकाउंटेंट्स कहेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होती है तो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। लॉ में इस्तेमाल होती है तो स्टैटिस्टिक्स फॉर लॉ ग्रेजुएट्स। इस तरह लिंग्विस्टिक्स में, फिजिकल साइंसेस में, नेचुरल साइंसेस में, मेडिकल साइंसेस में, ये जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, जो डॉक्टर्स बनते हैं, इन तमाम को स्टैटिस्टिक्स पढ़नी होती है और अपने रिसर्च के अंदर इस्तेमाल करनी होती है। एजुकेशन साइंटिस्ट भी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, स्पेस साइंस, वेदर वेदर ब्यूरो, एक्चुरियल साइंसेस। एक्चुरियल साइंसेस वो होते हैं जैसे हम अपने इंश्योरेंस करवाते हैं और इंश्योरेंस का जो रेट होता है कि किस बंदे को उसकी जब पॉलिसी कंप्लीट होगी तो कितने उसको पेमेंट होगी, इनको एक्चुरियल साइंसेस करते हैं। इनकी प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होती है, उनको रीपेमेंट कैसे होती है, ये सारा का सारा जो है स्टैटिस्टिक्स के बुनियाद पे होता है। इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, क्राइम के अंदर स्टैट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोग, अगर आप लोगों को याद होगा कि लेडी डायना का जो मर्डर हुआ और उसके बाद जब उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई तो क्रिमिनल्स तक पहुंचने के लिए और मर्डर को साबित करने के लिए स्टैटिस्टिक्स के टूल्स का इस्तेमाल किया गया, जिसको हम स्टैटिस्टिकल सिमुलेशन और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। इस तरह बिहेवियर साइंसेस के अंदर भी हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा स्टैट का कंसेप्ट एलेबोरेट करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ टाइपराइटर। तो जब सबसे पहले टाइपराइटर इजाद हुआ तो उसके ऊपर ये जो कीज थी ये इस तरह नहीं थी। क्यों नहीं था? W नहीं था, यहाँ A B C D E F G H इस तरह लिखी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, स्टैटिस्टिक्स की मदद से स्टैटिशियन ने काम किया, उन्होंने ये बताया कि आप अगर टाइपिंग करें तो कौन से वर्ड्स जो हैं वो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और कौन से वर्ड्स जो हैं वो कम इस्तेमाल होते हैं। जो वर्ड्स ज्यादा इस्तेमाल होते हैं टाइपिंग में वो उन्होंने आपकी उंगलियों के नीचे रख दिए, ये वाले वर्ड्स टाइपिंग के में ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। वो वर्ड्स जो टाइपिंग में कम इस्तेमाल होते हैं वो उन्होंने आपकी उंगलियों से दूर कर दिया है। तो ये तमाम डाटा कैसे जनरेट हुआ, स्टैटिशियन ने बताया कि टाइपिंग के अंदर ये अल्फाबेट्स ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और ये अल्फाबेट्स कम इस्तेमाल होते हैं। जो अल्फाबेट्स ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो आपकी उंगलियों के नजदीक रख दिए, जो अल्फाबेट्स कम इस्तेमाल होते हैं वो आपकी उंगलियों से दूर कर दिए। तो ये सारा का सारा जो डाटा जनरेट किया ये स्टैटिशियंस ने किया। अब आप देखें कि हम स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन देखते हैं बायोलॉजी में और फिर केमिस्ट्री में। तो बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है, बायोस्टैटिस्टिक्स भी है वही स्टैटिस्टिक्स, वही कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस ऑफ डेटा है, लेकिन किस बुनियाद पे, जो आप डेटा जनरेट करेंगे वो डेटा आपका होगा बायोलॉजिकल साइंसेस से। बायोस्टैटिस्टिक्स में बायोलॉजिकल साइंसेस दोनों आ जाएंगे, जूलॉजी भी और बॉटनी भी और बायोलॉजी के फर्दर डिसिप्लिन्स जो हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। जब आप जानवरों का डाटा लेंगे, जब आप प्लांट्स का लेंगे, यानी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब आप डाटा लेंगे तो वो जो सारी की सारी आपकी स्टडी होगी वो उसको आप बायोस्टैटिस्टिक्स कहेंगे। बायोस्टैटिस्टिक्स आर द डेवलपमेंट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी और फर्दर जो इसकी टाइप्स आ जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स द डिजाइन ऑफ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा फ्रॉम दोज एक्सपेरिमेंट्स एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। आप डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे और उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, ये बायोस्टैटिस्टिक्स में सारा का सारा काम जो है जब आप स्टैट को इन्वॉल्व कर देंगे तो उसको हम बायोस्टैटिस्टिक्स कहेंगे। तो बायोलॉजी के जितने भी साइंटिस्ट हैं
जब वो अपने रिसर्च पेपर को फाइनल स्टेज में लेके जाते हैं तो उनको अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स हर सूरत में यूज करनी होती है। जितने भी एमफिल पीएचडी या रिसर्च पेपर बायो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर लिखे जाते हैं उनमें स्टैटिस्टिक्स का जो इस्तेमाल है कंपलसरी है। उसके बाद देखें स्टैटिस्टिक्स एंड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर और पर्टिकुलरली एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। अब आप देखें जो केमिस्ट्री के अंदर है, पर्टिकुलरली जो केमिस्ट्री के अंदर जब भी किसी मजर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो आप बेहतर अंदाज में जानते हैं केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो रैंडम मोशन है। तो उस रैंडम मोशन के बिहेवियर को समझने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा एक स्टैटिशियन था और वो मैथमेटिशियन भी था, मैक्सवेल, उसने बहुत ज्यादा काम किया और मॉलिक्यूल्स की मोशन को स्टडी किया। उसके बाद बोल्ट्जमैन है, इन्होंने काम किया। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस ये वो हैं जो केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल्स का जो डाटा जनरेट होता है और वो कैसे उनकी मोशन होती है और वो क्योंकि तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिस्टमैटिक मैनर के अंदर मूव नहीं करते, उनकी मोशन जो है वो सिस्टमैटिक मैनर में नहीं है। तो मॉलिक्यूल्स की मोशन जो है वो रैंडम मैनर में है। जब वो रैंडम मैनर में है तो उनको स्टडी के लिए करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टैटिस्टिक्स एंड केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री स्पेशली इन एनालिटिकल केमिस्ट्री बिकॉज इट हेल्प्स इन द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन डेटा एनालिसिस एंड द डेमोंस्ट्रेटिंग स्टेप्स टू इन्वॉल्व देम। तो ये मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स की बेसिक्स बताई। अब हम आने वाले लेक्चर के अंदर मुख्तलिफ फिनोमिना में डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, कलेक्शन के तरीकाकार आपको बताऊंगा, उसकी प्रेजेंटेशन का तरीकाकार बताऊंगा और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि डेटा एनालाइज क्या होता है, ये आने वाले लेक्चर्स की जो सीरीज है उसमें ये सारा का सारा सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज ईमान में रखे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।